जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वे में उज्ज्वला योजना भी अब जुड़ चुकी है। सीएम ने कहा कि रेफरिंग कराने वालों को अब जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय योजना को भी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में शामिल किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों प्रदेश भर में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। इस सर्वे में केंद्र सरकार की पीएम आवास और शौचालय का तो सर्वे हो ही रहा है, साथ ही उज्ज्वला योजना को भी राज्य सरकार ने सर्वे में जोड़ दिया है। पीएम आवास को लेकर लगे आरोपों के बाद राज्य सरकार ने सर्वे कराने का फैसला किया था, लेकिन सर्वे में शौचालय और उज्ज्वला योजना से भी जोड़े जाने के बाद इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 10 से 12 मई के बीच छत्तीसगढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। शुक्रवार को आएंगे ओम माथुर। दरअसल चुनावी वर्ष में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। इस बीच 10 से लेकर 12 मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा संभावित है। 7 अप्रैल को छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 8 अप्रैल को भाजपा के सभी मोर्चों की एक संयुक्त बैठक होगी, जिसमें सभी मोर्चा के प्रभारी, अध्यक्ष व महामंत्री भी शामिल होंगे। संपत्ति कर के भुगतान में विशेष छूट छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरी तारीख 30 अप्रैल कर दी है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के हित में संपत्ति कर भुगतान में विशेष छूट करने के लिए अब निर्णय लिया जा चुका है। इसी के तहत राज्य में संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार की पहल पर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधाओं के लिए 1 महीने का अतिरिक्त अवसर दिया जा रहा है। आदिवासियों ने बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें पलायन रोकने, तेंदुपत्ता तुड़ाई की दर बढ़ाने समेत कुल 12 सूत्री समेत मांगों को सौंपा गया। दरअसल कटे कल्याण ब्लॉक मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज ने 12 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जताया। इसके अलावा विशाल रैली आयोजन किया। इस दौरान 26 ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्रामीण शामिल रहे। सभी ने विरोध जताते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। पेशा कानून के तहत समुचित पालन, इसके अलावा मनरेगा कार्यों का नगद भुगतान और अन्य राज्यों में पलायन पर रोक समेत तेंदुपत्ता की दर 400 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए, मजदूरी दर 204 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने जैसी तमाम मुद्दाओं का समाधान निकालने की मांग की गई। 10 अप्रैल से स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। छात्रों को 101 नए विद्यालय में प्रवेश का मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए पोर्टल 10 अप्रैल से खुलने वाला है। प्रदेश के तकरीबन 380 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन के लिए 5 मई तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें 32 उत्कृष्ट हिंदी मीडियम और 101 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शामिल है। लोक शिक्षा संचालय ने स्कूलों में एडमिशन को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। विधायक के थप्पड़ मारने की वजह से एक दिन में 50 करोड़ का नुकसान हो गया। बैंकों में ताला लटका देख करके किसान मायूस होकर वापस लौटे। अपनी अजीबो गरीब कार्यप्रणाली से सुर्खियों में रहने वाले रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह के द्वारा सरकारी बैंक के कर्मचारियों पर बरसाए गए थप्पड़ ने 50 करोड़ का नुकसान करा दिया है। दरअसल विधायक द्वारा 3 अप्रैल को रामानुजगंज में सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने का मामला तूल पकड़ लिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी संघ ने घटना का विरोध शुरू किया है। इसके अलावा संभाग भर में सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। घटना के विरोध में कर्मचारियों ने अपने अपने शाखा के बाहर प्रदर्शन किया और काम बंद करके हड़ताल किया। विधायक पर उचित कार्यवाही की मांग की जा रही है। युवक ने हिंदू संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं को गालियां दी, गौमांस के साथ वीडियो अपलोड किया, बोला खाऊंगा मांस, जो करना है कर लो। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक सनकी युवक ने हिंदू संगठन और भाजपा के कार्यकर्ताओं को गालियां देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में युवक गौ मांस खाता दिख रहा है। इसी के साथ कह रहा है कि मैं गौ का मांस खाऊंगा, यदि हिम्मत है तो मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। वीडियो वायरल होने के बाद उसी के समुदाय के लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। युवक का नाम साजिद खान है, जो कि सुकमा में रहता है।
छत्तीसगढ़ के 11 मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की मांग की गई। सीएम भूपेश बघेल ने चंदेल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री से होने वाली भेंट में इस मुद्दों पर बातचीत करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी विधायक दल की प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली मुलाकात में जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी, मेट्रो रेल और हवाई सेवा समेत प्रदेश के हित के लगभग 11 ऐसी मांग है जिन पर चर्चा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी विधायक दल ने छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। सीएम ने कहा था कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्द ही उनकी भेंट हो। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम बंद किया जा चुका है। प्रदेश भर के कर्मचारी रायपुर पहुंच चुके हैं। कहा 25,000 इनका वेतन किया जाए, अफसरों पर प्रताड़ित करने का भी आरोप इन संघ के द्वारा लगाया गया। गुरुवार को पूरे छत्तीसगढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम बंद कर दिया गया। लंबे वक्त से कई तरह की अव्यवस्थाओं के बीच काम कर रहे कर्मचारियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। ये सभी कर्मचारी रायपुर पहुंच चुके हैं। यहां विरोध प्रदर्शन करने तूता पहुंचे हैं। प्रदेश के तकरीबन 2,066 ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, माफी ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, फार्मासिस्ट, काउंसलर और गांवों में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए काम करने वाले कर्मचारी यहां जमा हुए हैं। एटीएम में कार्ड बदलने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। मदद के बहाने लोगों का खाता खाली किया जा रहा है। एक को 82,000 की चपत लगा दी गई है। रायपुर के एटीएम के आसपास अपने से कार्ड की तलाश कर रहा एक गैंग आखिरकार सक्रिय है। ये लोगों को मदद के बहाने बातों में उलझा रहा है, कार्ड बदल कर उनका खाता खाली किया जा रहा है। इनकी शातिर हरकतों की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं और अपने मेहनत की कमाई गंवा दे रहे हैं। ऐसी एक घटना की शिकायत रायपुर पुलिस के पास पहुंची है। विजय चौधरी नाम के आदमी ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया है और शिकायत दर्ज कराई है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में 3,000 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिनको बोनस अंक का प्रावधान मिलने वाला है। सबसे ज्यादा रायपुर के 280 छात्र छात्राएं शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से शिक्षा सत्र 2022-23 में 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा में बोनस अंक पाने वाले छात्रों की संख्या जारी कर दी गई है। बोनस अंक खेल, स्काउट, एनसीसी, एनएसएस और विद्या भारती जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले छात्रों को दिया जाता है। जो राज्य के अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से बोनस अंक देने का प्राविधान है। प्रदेश भर से तकरीबन 3,161 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको बोनस अंक का लाभ मिलने वाला है। वहीं बिलासपुर, रायपुर और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर से सबसे ज्यादा बात करें तो रायपुर जिले से सर्वाधिक 280 छात्र छात्राओं को बोनस अंक का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 60 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है, फसलें बर्बाद की जा रही है। धरमजयगढ़ और रायगढ़ वनमंडल में फसलों और उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया, इसकी वजह से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। रायगढ़ और धरमजयगढ़ वनमंडल में लगभग 60 से ज्यादा हाथियों का दल डेरा डाले हुआ है। केवल धरमजयगढ़ वनमंडल की ही बात करें तो तकरीबन 55 हाथियों का दल विचरण कर रहा है जिनमें 13 नर और 26 मादाएं जबकि 16 शावक शामिल हैं। इसके अलावा वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। जंगल की ओर जाने की ही की गई है। ये जंगली हाथी के छाल के छोटा लदान, इसके अलावा कीदा, बोजिया और छाल, साथ ही बनहर, बहरामार, इसके अलावा पुरुंगा और धरमजयगढ़ के कोयलार, राजा जंगल में तराईमार, नगररहा, इसके अलावा कोंढा में विचरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में जय श्री राम और जय हनुमान का गूंज यहां पर बीते दिन सुनाई दिया। बजरंग बली के दर्शन और पूजन के लिए पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं का हुजूम यहां पर दिखाई दिया। हनुमान जन्मोत्सव के साथ पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से इस पर्व की धूमधाम रही। मंदिरों में जय श्री राम और जय हनुमान की गूंज सुनाई दे रही थी। राजधानी के प्राचीन मंदिरों में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में संकट मोचन के दर्शन करने श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। रायपुर में तकरीबन 400 साल से भी ज्यादा पुराने गुढ़ियारी स्थित दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर में सुबह से ही कई आयोजन हो रहे थे। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार से हम आप तक पहुँचा सकें। और अब खबर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान यात्रा को लेकर, जहां हसदेव बचाओ जीवन बचाओ का नारा दिया गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इस रैली में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के गोरिल्लापिंडा मरवाही जिले में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे और प्रदेश अध्यक्ष पूरन छाबरिया के नेतृत्व में हसदेव बचाओ जीवन बचाओ के नारे के साथ छत्तीसगढ़ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को विष मुक्ति खेती, प्रकृति केंद्रित विकास और नशा मुक्त समाज, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए लोगों को जागरूक करना है।
स्कूलों में समय बदलाव की वजह से जानकारी बच्चों को नहीं दी गई और पालक और बच्चे इसकी वजह से परेशान होते नजर आए। स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी की शुरुआत होते ही स्कूल में पढ़ाई के समय में परिवर्तन कर दिया है। विभाग के अधिकारियों ने जिले के समस्त सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को समय परिवर्तन के संबंध में जानकारी दी है, लेकिन स्कूल प्रबंधक द्वारा विद्यार्थियों और उनके पालकों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके चलते पालक अपने बच्चों के साथ पहले से निर्धारित समय पर स्कूल पहुंच गए थे, बगैर इसकी जानकारी के कई स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को नहीं दी। इसकी वजह से अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लापरवाही बरतने की वजह से नर्सिंग होम को सील किया गया, जच्चा और बच्चा की मौत पर प्रशासन ने कार्यवाही की है। खबर सूरजपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत के मामले ने प्रशासन को उसकी आंखें खोली है। इसके अलावा निजी नर्सिंग होम को यहां पर सील किया गया है। परिजनों की शिकायत के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर नर्सिंग होम को सील किया है। तहसीलदार के मुताबिक जाँच में किसी भी प्रकार की छेड़खानी न हो, इसीलिए अभी तक इसे सील किया गया है। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के मामले में वित्त मंत्री ने अपना सख्त बयान जारी किया है। कहा, अगर 30 जून तक किसी ने अगर लिंक नहीं किया तो इसके लिए भारी जुर्माना पटाना होगा। दरअसल खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश भर में आधार से पैन कार्ड लिंकिंग जो कि बीते 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था, उसके बाद 1 अप्रैल 2022 पर उस पर ₹500 का जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया, जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं किया जाता है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आधार से पैन को लिंक नहीं कराने की दिशा में पूर्व में काफी समय दिया गया था और इस पर जनता ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तक लिंक हो जाना चाहिए और ऐसे में जिन लोगों ने अब तक ऐसा काम नहीं कराया है उन्हें तत्काल कराने के निर्देश दिए गए हैं। एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने की वजह से दो लोगों की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में चंद्रपुर नेशनल हाईवे में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक के पहिए के नीचे दबकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मामला चंद्रपुर थाना क्षेत्र का है। प्रधानमंत्री मोदी से रायपुर के एमपी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री से सांसद सुनील सोनी ने मुलाकात की है। 3 दिनों से लगातार केंद्रीय नेताओं से सीनियर भाजपाइयों की मुलाकात हो रही है। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर सांसद सुनील सोनी से मुलाकात की। सांसद ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। भास्कर से बातचीत में इस मुलाकात को सुनील सोनी ने केवल सौजन्य भेंट बताया, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। बड़े डोंगर के ऐतिहासिक मेले में अनूठा नजारा दिखाई दिया। वर्षों से कई तरह की देवी देवताओं का स्वागत लाई के माध्यम से लाई वर्षा करके किया जाता है और इस अनूठी परंपरा का वीडियो छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर खूब वायरल चल रहा है। बड़े डोंगर में नवरात्र खत्म होने के बाद रणवीर बाबा मेला का भव्य आयोजन हुआ। रणवीर बाबा मेला में कई तरह की लाई मेला भी कहा जाता है। ये मेला 5 अप्रैल को लगाया गया था, पर यहाँ पर सुबह से ही दूरस्थ दुकानें सजना शुरू हो गई थी। मेले में देवी देवताओं की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी जाती है, जिसके बाद देव बाबा नरसिंह के साथ देवी देवताओं ने मेला स्थल का भ्रमण किया। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र की सुख शांति खुशहाली और मान सम्मान का प्रतीक इस मेले को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा का डबल टारगेट सामने आ रहा है। सत्ता में वापसी के साथ लोकसभा में जीत का लक्ष्य रखा गया। 23,000 बूथों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा डबल टारगेट के साथ काम करेगी। गुरुवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं से यही कहा। दोहरा टारगेट इस वजह से क्योंकि प्रदेश में 15 साल के सत्ता काल को खो चुकी भाजपा फिर से शासन की कुर्सी का सफर तय कर रही है। इसके अलावा दूसरी ओर लोकसभा में भी जो सीटें जितनी ताकी है जीती गई हैं ताकि केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक लग सके। देश भर में बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के हर मोहल्ले में भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। थप्पड़ मारने का अफसोस नहीं कहना है एमएलए बृहस्पत सिंह का। भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों के बीच का मामला है। रामविचार बोले कि विधायक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। रामानुजगंज एमएलए बृहस्पति के थप्पड़ मारने के कांड का अब मामला गरमाता जा रहा है। इस घटना के विरोध में जहां सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने काम बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं, तो वहीं विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना बयान जारी किया है। भूपेश बघेल का कहना है कि ये मामला किसानों के बीच का है और
और बृहस्पत सिंह से कहना चाहूंगा कि वे उन्हें बुलाकर आपस में बातचीत कर ले। एमएलए बृहस्पत सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वे सहकारी बैंक के एक कर्मचारी को सरेआम थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। इस घटना के बाद विधायक ने बैंक कर्मी से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। साथ ही रामविचार नेताम का कहना है कि थप्पड़ मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस इतक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।